Hey guys, my name is Damano. Welcome back to our channel. तो आज आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कुछ ऐसा वाला नेकबैंड. ये नेकबैंड हमारे चैनल में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे. ये है OnePlus Bullet Wireless Z2 और काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसका तो रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन भाई ये ईयरफोन अभी भी Amazon पे अवेलेबल है. OnePlus Bullet Wireless Z जब पहला आया था आज से 2.5 साल पहले, उसका हमने रिव्यू किया था, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था. उसी का सेकंड वर्जन जो है OnePlus वालों ने निकाला था, OnePlus Bullet Wireless Z2, और ये जो एक तरीके से ना इसमें एक्स्ट्रा बेस आपको मिले थे, बैटरी लाइफ इंक्रीज हुई थी. लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो नेकबैंड है ये एक साल बाद कैसे जो है परफॉर्म कर रहे हैं, इनका कैसा क्या एक्सपीरियंस मेरा अभी रहा है, और ₹2000 के ये नेकबैंड आते हैं तो अभी भी इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को जो है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा. क्योंकि काफी सारे लोग जो है आज के टाइम पे प्रीफर कर रहे हैं. Amazon में लाखों में जो है इसकी रेटिंग है, लेकिन अब बहुत सारे नेकबैंड जो इस प्राइस रेंज में सेम आ चुके हैं जिनमें ANC भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये नेकबैंड कैसा है ये आपको आज पता पड़ जाएगा. तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो आगे चल के तो लाइक किए बिना मत जाना. और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो या फिर देखते रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्योंकि ऐसी डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं. तो भाई बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं. तो भाई ₹2000 में अभी भी मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको इन ईयरफोन्स में मिल जाती है. ऐसे भारी से नहीं है, आप जब छूओगे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन भाई काफी ज्यादा पोर्टेबल ईयरफोन्स है. इसमें जो सिलिकॉन रबर यूज हुआ है वो बहुत ही कमाल का है. इन नेकबैंड को मैंने काफी टाइम यूज कर रखा है, काफी लंबे टाइम तक जो है यूज कर रखा था. हालांकि आप देख सकते हो इसको यूज कर करके कुछ इस तरीके का जो है इसका शेप हो गया मेरे नेक के हिसाब से. तो यहाँ पे जो आपको सिलिकॉन रबर मिल रहा है ना, उसके थ्रू आपको कोई भी इचिंग वगैरह नहीं होगी, चाहे पसीने में जो है यूज कर रहे हो, चाहे पानी में यूज कर रहे हो, कुछ भी हो जाए आपको जो इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका रबर की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई लगी है. प्लस अगर इसके मॉडल्स की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा लाइट वेट है, ज्यादा भारी से नहीं है. क्योंकि काफी सारे नेकबैंड आते हैं जो काफी भारी जो है एक तरीके से मॉडल के साथ में आते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी. राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और प्ले पॉज का बटन मिल रहा है, और यहां पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, माइक भी यहीं पर मिल रहा है, यहां पर LED लाइट मिल जाती है. सारे फंक्शन जो है आपको राइट साइड के मॉडल में देखने को मिल जाएंगे. अब यहां पर अगर वायर की बात करता हूं तो भाई वायर जो है इसके मुझे काफी ज्यादा फेवरेट लगे थे. अभी तक इन वायर्स को कुछ भी नहीं हुआ है, सेम वैसे के वैसे नए के नए रखे हुए हैं. क्योंकि ये वायर जो है ना एक तरीके से काफी अच्छी हाई क्वालिटी के सिलिकॉन रबर के साथ में बने हुए हैं, तो इनमें प्रोटेक्शन आपको अच्छी मिल जाती है. चाहे इनको कितना भी खींच लो, कुछ भी कर लो, ये वायर जो है खराब नहीं होने वाले हैं, बहुत बढ़िया मुझे लगे थे. अंटिल अनलेस इसको आप अगर काटते हो सीजर वगैरह से तो वो बात अलग है. अगर इसके ईयर पीसेस की बात करूं तो आपको जो है 45 डिग्री का एंगल जो है इसमें देखने को मिल जाएगा. बाहर साइड से जो है ये शाइनी वाले हैं, अंदर साइड से आपको मैट फिनिश जो है देखने को मिल जाएगी. और यहां पर जो है आपको एक्स्ट्रा थोड़े से जो है बर्ड्स निकलते हुए बाहर दिख जाएंगे, ताकि आपके ईयर में बहुत अच्छे से फिटिंग ये दे देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप जो है जिमिंग रनिंग या फिर किसी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए इन ईयरफोन्स को यूज कर रहे हो तो इजीली आपके ईयर से बाहर नहीं निकलेंगे. लेकिन बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगती है इन ईयरफोन्स की, वो है भाई इनके ईयर टिप्स. क्योंकि इनके ईयर टिप्स की क्वालिटी जो है ना बहुत ज्यादा प्रीमियम मुझे लगी है. काफी सारे नेकबैंड जो है 2000 के अंदर जो है मैं एक तरीके से रिव्यू कर चुका हूं, 3000-4000 के भी कर चुका हूं, लेकिन इस सिलिकॉन टिप की क्वालिटी काफी बढ़िया है. बिल्कुल ईयर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रेशर भी जो है क्रिएट नहीं होता है. अलग अलग ईयर साइज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने ईयर होल के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो. इनके अगर मैं साउंड क्वालिटी पे डायरेक्टली बढ़ू ना, तो इसमें आपको 12.5 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, SBC और AAC कोडेक के साथ में आते हैं. तो देखो भाई साउंड क्वालिटी के मामले में बोलू ना, तो इसमें जो है ना काफी इंप्रूवमेंट किए थे इनके पुराने वर्जन के हिसाब से. क्योंकि इसमें बेस की क्वालिटी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हाई कर दी थी, तो बेस काफी ज्यादा थम्पी और पंची वाले जो है देखने को मिल जाएंगे. आप जो है ना अगर आप ट्रैप हिप हॉप या फिर पंजाबी टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद करते हो ना, तब आपको इनमें मजा आ जाएगा. 100% वॉल्यूम में आपको बहुत कमाल के बेस मिलते हैं, लेकिन बेस जो है ज्यादा बड़े होने की वजह से ऐसा नहीं है कि भाई बाकी जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह किल हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाई क्वालिटी ऑप्टिमाइज जो है मुझे इनके जो है ड्राइवर्स लगे हैं. तो अगर आपको एक ऐसा जो है ईयरफोन चाहिए जो आपको ओवरऑल हर टाइप का म्यूजिक जो है सुनने में आपकी हेल्प करते हैं, चाहे बेस वाले हो, चाहे ट्रेबल्ट वाले हो, चाहे फिर इंस्ट्रूमेंटल हो, तो आप जो है इनको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि म्यूजिक की क्वालिटी काफी सही लगी है. हाँ ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मूवीज वगैरह देख रहे हो तो थोड़ा सा बेस जो है उस टाइम पे हायर साइड में रहता है, तो आपको शायद थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि मुझे पर्सनली हुई है, स्पेशली जब मैं कोई एक्शन मूवी देख रहा हूं तो मुझे जो है बहुत ज्यादा अनवांटेड बेस की जो है फीलिंग आती है. लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि भाई इसमें जो म्यूजिक की क्वालिटी आपको मिल रही है ना, वो आपको काफी जबरदस्त जो है देखने को मिलती है. इसके अगर मैं वाटर रेटिंग की बात करूं तो IP55 के साथ में आता है, तो हल्की फुल्की बारिश जो है झेल जाएगा, तो उसकी भी आपको दिक्कत नहीं करनी है. अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा ब्लूटूथ 5.1 5.2 5.3 ऐसा नहीं मिलता है. इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, जो आज से 1.5 साल पहले चलता था वही आपको मिल रहा है. लेकिन भाई कनेक्टिविटी में मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मेरे फोन से डिस्कनेक्ट हो रहा है,
रहा है बार बार या फिर कनेक्शन ब्रेक हो रहा है कॉलिंग के टाइम पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली जो है एक रूम में अगर बैठे हो दूसरे रूम में जाते हो तो आपको जो है ना अच्छी खासी कनेक्शन ब्रेक वाली जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से कॉलिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई कॉल क्वालिटी की, तो इसमें जो है ENC करके कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली थी, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन टाइप का कोई टेक नहीं था, लेकिन इसमें जो है AI कॉलिंग वाला जो है ऑप्शन मिला था। AI जो है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइस को जो है कैंसिल करने की कोशिश करता है, तो इसकी कॉल क्वालिटी आप लोगों के लिए जो है लेकर आया हूं वो आप एक बार सुन लीजिए। अब जो आप साउंड सुन रहे हो ये डायरेक्टली इन ईयरफोन के जो है माइक से सुन रहे हो, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना जो है इसने नॉइस कैंसिल कर दिया है। अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है तो की आसपास का जो इसमें AI नॉइस कैंसिलेशन है वो अच्छे से काम कर रहा है, डेफिनेटली जो है काफी सारा जो है नॉइस कम कर दिया है। बट आप लोगों का क्या ओपिनियन वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहां पे आपने कॉल क्वालिटी सुनी, तो भाई इसकी कॉल क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी इसके पुराने वर्जन से, तो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आप अच्छे से जो है कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। रही बात गेमिंग की, तो ये नेकबैंड जो है गेमिंग के लिए भी ठीक ठाक जो है हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा लेटेंसी इसकी जो है बढ़ के नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हाईटेक गेमिंग करना चाहते हो, आपको एक से बढ़कर एक जो है गन शॉट हो गया, फुटस्टेप की आवाज बिल्कुल ऑन पॉइंट चाहिए, तो वैसी सारी चीजों की जो है आप उम्मीद मत रखना। OnePlus Bullet Wireless Z जो इसका पहला वर्जन था उसमें भी इतनी कोई खास जो है लेटेंसी नहीं थी, तो इसमें ठीक ठाक सी लेटेंसी आप कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई बैटरी लाइफ की, तो भाई बैटरी लाइफ इसमें जो है ना अभी तक जो है आराम से 20-25 आवर्स तक की जो है मिल जाती है एक सिंगल चार्ज पे, बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि आराम से जो है एक से डेढ़ दिन तक जो है आपको इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से डेढ़ दिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा जो ईयरफोन को यूज करते हो, चाहे कॉलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियोस देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तब जाके जो है आराम से एक दिन डेढ़ दिन का बैकअप दे देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली फोन को यूज कर रहे हो कॉलिंग वगैरह के लिए, तो आराम से 2-2.5 दिन तक जो है इसके ईयरफोन चल जाएंगे, इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी। फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, OnePlus है तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो इसमें मिलता ही है, तो 10 मिनट कह लो या 15 मिनट मैक्सिमम कह लो फुल जो है ईयरफोन चार्ज हो जाते हैं। और इसमें अगर बाकी फंक्शनलिटी की बात करूं तो इसमें कोई टच कंट्रोल वगैरह नहीं है, फिजिकल बटन दिए हुए हैं, फिजिकल बटन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिलती है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और आप बीच वाले बटन से जो है गूगल असिस्टेंट या सीरी वगैरह को इनेबल कर सकते हो, ये सारी चीजें तो आपको इसमें मिलती ही है। लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई एक साल हो गया, एक साल से भी ज्यादा हो गया इन ईयरफोन्स को आपको लेना चाहिए क्या अभी भी? तो मैं सच बताऊं ना, अगर आपका 2000 का बजट है, अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ में एक अच्छी बैटरी बैकअप वाला और बेस सुनने के लिए अगर आपको जो ईयरफोन चाहिए, तब आप जो है इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। आई नो बहुत सारे ईयरफोन्स ऐसे हैं जिनमें आपको ANC भी मिल रहा है, नेकबैंड आ चुके हैं, चाहे बोल्ट के हो रियलमी के हो, उनमें आपको ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, वो सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी आपको इसमें नहीं मिलती है। लेकिन इसमें आपको जो है अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अच्छी वाटर रेटिंग मिल जाएगी, साउंड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, बैटरी लाइफ मिल जाएगी, यानी कि जो मेन चीजें होती है ना वो आपको इसमें मिल जाएगी। आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये एक महीने चल रहे हैं, दो महीने चल रहे हैं, ज्यादा 6 महीने चल रहे हो, खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये एक साल से ज्यादा है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फील नहीं हुई है, तो भाई ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो 2000 का बजट है तो आप जो है डेफिनेटली जाके इसको कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो नीचे आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट सेक्शन में जो है इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये डिटेल रिव्यू जो है OnePlus Bullet Wireless Z2 का पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।